सुनील कुछ गाना है, सीधा गाना नहीं गवाना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए इससे पहले। हम बता ये वर्ड थे शॉपिंग लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं दो लड़कियां भी हैं, मेरे को लग रहा है अरे वी वेंट देयर ना, देयर इज सेल गोइंग ऑन, यू डोंट नो, नो आई वेंट देयर, ये को आपको लग रहा है काम चल रहा है, नहीं देखा मैम जब भी शूट पे आते थे ना आप ऐसे उलझे होते थे, है देखा मैंने पीछे आइसक्रीम बहुत अच्छा है सुनील तुमने खाया आज भिंडी क्या है डिड यू ईट प्रोड्यूसर लगा ऑब्वियसली विशाल का जब गाना होता है और गुलजार साहब के लिरिक्स होते हैं तो बहुत खुशकिस्मती होती है क्योंकि मेलेडी और लिरिक्स दोनों आपको अपने मन के मिल जाते हैं और आइटम सॉन्ग हो या मजाक का गाना हो या मस्ती का गाना हो तो और अच्छा लगता है। इनफैक्ट सुनिधि और मैंने ये सेकंड सॉन्ग साथ में गाया है, कमीने में हमने गाया था रात के 2:30 बजे, इंशाल्लाह शुड बी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, विशाल जी और गुलजार साहब ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी के लिए भी दुनिया में ड्रीम है और मेरा ये हर बार एक सपना, एक नया सपना जो मैं खुली आंखों से देखती हूँ वो पूरा होता रहता है और मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोच लेते हैं मेरे लिए अपनी फिल्म में। और ये जो गाना स्पेशली जो हम अभी शायद गाने वाले हैं और आप देखेंगे भी, वो बहुत ही मज़ेदार गाना है और क्या है वो आप देखेंगे, मैंने खुद अभी तक देखा नहीं है तो मैं इंतज़ार में हूँ कि इसको कैसे पिक्चराइज किया होगा। एक मेरो बलमा, एक तेरो बलमा, तेरो गुंडो बलमा, रे मेरो नेक बलमा, मैं तो पर्दों में ढाप लूंगी तेरो मेरो बलमा, नंगा घूमेगा गलियों में तेरो बलमा, एक तेरो बलमा, रे एक मेरो बलमा, तेरो गुंडो बल मारे मेरो नेक बलमा, घी में खावेगा दाल बाटी तेरो बलमा, फिर वो क्या करेगा खेतों में तेरो बलमा। तो जब हमने इसकी पूरी स्क्रिप्ट की और इसका फर्स्ट हाफ पूरा जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में जब हमने इसके फर्स्ट और सेकंड एक्ट बनाए तो उसमें ये सवाल ये एज राइटर मेरे सामने आया कि ये दोनों लड़ती क्यों हैं। तो जो ओरिजिनल राइटर थे उनके साथ भी बैठे तो बहुत हमने कोशिश की कि हम कुछ बना लेते हैं रीज़न की, अच्छा ये इस वजह से लड़ती होंगी, ये इस वजह से लड़ती होंगी, तो जो भी हम रीज़न बना रहे थे वो सब फेक लग रहे थे, तो लग रहा था कि हम कुछ फोर्स कर रहे हैं कहानी के ऊपर। और हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं इसमें विकास मेहता जी, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमेशा ये सवाल पूछते थे जब भी स्क्रिप्ट नरेशन के बाद कि ये सब तो ठीक है पर ये लड़ती क्यों हैं दो बहनें। तो मुझे एक दिन मैंने थोड़ा सा मैं इरिटेट होके मैंने उनको बोला कि अरे भारत पाकिस्तान क्यों लड़ते हैं, क्या रीज़न क्या है लड़ने का, दो भाई क्यों लड़ते हैं। और मुझे याद आया मैंने देखा कि मैंने बचपन से लेकर आज तक घरों में जो लड़ाइयाँ देखी हैं कोई रीज़न नहीं होता, इनफैक्ट वो कई सालों के बाद वो घर में दीवार खिंच जाती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, भाइयों के दोनों भाइयों के बच्चे आके एक दूसरे के घर में खाना खाते हैं पर वो दोनों भाई बात नहीं करते हैं कभी आपस में, और कभी पूछो कि उसका कारण क्या है तो वो खुद भूल चुके होते हैं कि किस बात पर लड़ाई हुई थी।